क्या टर्नओवर क्या है? मार्जिन? अरे आप लोग भी हर वक्त सिर्फ बिजनेस बिजनेस। मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ आइसक्रीम खाते हैं। चटाई किंग कर तू ये भी ट्राई कर और पंखा किंग बन जा। देख ये छोटे छोटे चंपू जैसे बिजनेस होते हैं ना, उसमें लोग मिलोनर बने। मिलोनर मिलोनर मतलब करोड़पति। ये अपना भीड़े का भतीजा है ना, वो पैंट की चेन बेच बेच के मिलोनर बना। ऐसी मजबूत चेन बनाता है ना, पैंट उतर जाए पर चेन नहीं उतरती है। हाँ कल मिलता हूँ ना मैं, टेंशन नहीं है। हाँ कॉफ़ी पीते ना। एक मिनट बाद ही फ़ोन करता हूँ। रघु भाई नो प्रोग्रेस। मेरे को लगता है ना सारे मर्द सुपरमैन हो गए, किसी को ज़रूरत ही नहीं है इसका भी। मजाक चल रहा है? मजाक नहीं रघु भाई, वो सॉरी रघु भाई मेरा मत। आपको क्या लगा आप खास हैं? लाखों में एक अगर है भी तो आप जैसे हिंदुस्तान में 12-13 हजार लोग होंगे। और सामान्य बात है, COMMON कॉमन कॉमन है आप लोग। टेंशन ना ले, नया बिजनेस सेटअप होने में टाइम लगता है। दीदी को बताया बिजनेस के बारे में? अभी नहीं बताया पर बता देने का। नहीं बता दूंगा, अभी थोड़े दिन बाद बताऊंगा। अभी एकदम शौक में आ जाएगी। तू डरता है बीवी से? नहीं मैं डरता नहीं हूँ काका, सही समय आने पे बता दूंगा। तन्मय भाई, रघु, चाइना थेपला वो अहमदाबाद वालों। कैसा लगा आपको आइडिया? ये प्रोडक्ट बिकेगा? मुझे क्यों पूछ रहा है? कहीं आपको इतने बड़े बड़े बिजनेस का एक्सपीरियंस है इसीलिए। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो इस बात के अंडकोश लगते हैं। इस बात के अंडकोश? बॉल्स ऑफ स्टील। स्टील हाँ टन। अब ये देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। पर ये आइडिया कैसा है तन्मय? अच्छा है, तेरा आइडिया रायता है, फैलेगा। थैंक यू तन्मय भाई। गलत चीज बेच रहा है मतलब? सूप तेरा प्रोडक्ट है, सूप कोई बेच रहा है। पर कस्टमर को तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना। कस्टमर को घंटा पता है, कस्टमर तो कस्टमर तो जिसे बेचना है उसे थोड़ी बेचते हैं। तो सूप तेरी कहानी है, वर्दी तेरा हीरो है। कहानी को नहीं, हीरो को बेच। हीरो कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत के जैसा होता है, जिसमें हजारों गन्ने होते हैं और एक एक गन्ना एक एक प्रोडक्ट होता है। दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है, लेकिन ब्रांड, ब्रांड क्या है? क्या है ब्रांड? एक सांड है। सांड? सांड है, और ये सांड गन्ने के खेत में घुसता है और बाकी गन्नों को चीरता हुआ निकल जाता है और अपनी जगह खुद बनाता है। तो वर्दी को ब्रांड बना। 70 साल का रॉकस्टार सेक्सोलॉजिस्ट, ब्लॉकबस्टर ब्रांड यू है, उसको बेच। वो बिकेगा तो फंडिंग में ला के दूंगा। थैंक यू तन्मय भाई। Right. लोगों को पसंद होता है मतलब प्राइवेटली बात करने, पब्लिक बात करने में कोई हिम्मत नहीं करता। 4-6 जन से ज्यादा आएंगे मैं बोलता हूँ। नेगेटिव क्यों हो रहे हो? मैं बाहर जाके देखता हूँ सर वो आए कि नहीं आए। आई विल कॉल यू बैक। तो शांति रखो ना। हाँ हाँ सर, हाँ ओके। डॉक्टर साहब। यस। अरे वाह, सेमिनार के लिए थैंक गॉड सर आप आ गए। आइए आइए सर प्लीज आइए। इस साल हमारी प्राइमरी स्कूल ने स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये टॉक अरेंज किया है। आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली डॉक्टर मृगांग से पूछ सकते हैं गूगल पे। काका गलत जगह पे जा रहे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट का सेमिनार दूसरी जगह पर है। अरे काका भी ना। आम आदमी सिर्फ 2 तरीके से फेमस होता है, सही जगह पर गलत चीज बोल के या गलत जगह पे सही चीज बोल के। हाँ डॉक्टर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। He is an expert. हाँ नमस्ते जी। मैं बहुत खुश हूँ, ताज्जुब भी हूँ कि मैं समझा के 6-7 लोग होंगे लेकिन उसकी जगह पे हाउसफुल है। I'm very happy, very proud. तो चलो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, पहला सवाल पूछ ही लेते। बोलो जी। आओ जेंटलमैन, गिव अ बिग हैंड। चलो सर, मेरा बच्चा जो है वो मूड में नहीं रहता है, उसको किसी चीज में एक्साइटमेंट नहीं रहता है। मैं उसको खेलने को बोलता हूँ तो वो खेलता भी नहीं है, तो क्या उसे डिप्रेशन हो सकता है? क्या बोले? मेरा बच्चा। चलो ठीक है, इस चीज को हम बच्चा बुला लेते फॉर नाउ, ठीक है? और आप बोलते हैं कि आपका बच्चा मूड में नहीं है। देखो मूड में लाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे को खेल कूद करने को इनकरेज करना चाहिए। खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं तो एक्साइटमेंट कहां से आएगा? फुटबॉलर क्रिकेटर लोग गेम के पहले वार्म अप करते हैं ना, तो ही परफॉर्म कर पाएंगे ना गेम में। इट इज कॉल्ड फॉर प्ले। समझा? फॉर प्ले बिफोर प्ले देन स्टडी, बिफोर प्ले। सर मेरा बच्चा आधा काम करके थक जाता है, इसका कोई सोल्यूशन है? हमारे इंडिया में क्या है ना, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। काम का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, बहुत सारे। और वो स्ट्रेस जब घर पे लेके आएंगे तो आधे में ही थक जाएगा ना आदमी। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, और अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगे देन ओनली ही कैन रीच ऑर्गेज्म। ऑर्गेनिज्म बोला होगा सर, ऑर्गेनिज्म। सर एग्जाम का स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो इंटरकोर्स इज नॉट एन एग्जाम। वो एग्जाम कैसे हो गया? कोर्स नहीं बोला, इंटरकोर्स। क्या आपके हस्बैंड को आप मार्क्स देते हैं क्या? 7 on 10, 8 on 10। एक बात बोलूं, अगर आप ये एग्जाम बोलना बंद कर देंगे ना तो ही पप्पू पास हो जाएगा। सर ये डॉक्टर वर्दी है जो न्यूज़पेपर में सेक्स कॉलम लिखते हैं। There seems to be a slight misunderstanding. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो ना हाथ ऊपर है, कितने लोगों का हाथ ऊपर है। तबे दादा ने भेज जाओ बस। चलो भाई तबीयत खराब हो गई। हाँ बहन। सर वो बल्ब जल जाता है लेकिन आग नहीं लगती। मेटाफोर में सवाल पूछा, चलो ठीक है मैं भी मेटाफोर में ही जवाब देता हूँ। ये पुरुष जो होता है वो एक माचिस की तरह होता है, बुझ जाता है। और स्त्री जो होती है वो स्त्री की तरह होती है, वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इस बाबत में पुरुष को थोड़ा पेशेंट होना चाहिए। अगर वो पेशेंट रहा तो फिर देखिए प्यार का बल्ब कैसे जलता है। डॉक्टर आपको नहीं लगता कि ये सब बातें ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए? कौन बोलू तो कहाँ होनी चाहिए? यही तो फोरम है। हम लोग स्कूल में साइंस क्लास में मेंढक का एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखा सकते हैं, लेकिन इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे। क्यों भाई? ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। ये नाक बंद कर दिया, देखा? इसका मतलब नहीं कि मैं बंद हो जाऊंगा, ये बात होनी चाहिए। बाप बेटे के बीच में होनी चाहिए, माँ बेटी के बीच में होनी चाहिए, मियाँ बीवी के बीच में होनी चाहिए, दोस्तों के बीच में होनी चाहिए। ओपनली बात करो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। दिस इज नॉर्मल। काका रोकिंग, संभाला नहीं जा रहा है। खराब है। चार खाने का टाइम बंदा। Doctor, I've heard so much about your brilliance. Read in the newspapers, you write brilliantly your articles. Thank you, Ray. One carton soup, please. Jagdish. इस बार एनिवर्सरी पे क्या चाहिए? जो तुम्हें अच्छा लगे दे देना। सरप्राइज। ठीक है। हमने धंधा जमाने के लिए जितनी खामोशी से काम शुरू किया था, आज कामयाबी हमारे दरवाजे पे उतने ही जोर से शोर मचा रही थी। आरवी इंटरनेशनल हमारे सूप की नई प्रीमियम पैकेजिंग। गुड जॉब रवि। अरे माय प्लेजर। ये बहुत अच्छा। और ये दोनों मायरा कायरा, वो तन्मय भाई ने भेजा है। अमेरिका में पढ़ाई कर रही है वो, वो यूनिवर्सिटी क्या, बर्कले, उसी में। अब सबसे जरूरी था नया फुल प्रूफ डिलीवरी सिस्टम जो हमारे सूप को जल्द से जल्द घर घर तक पहुँचा सके। अभी भी ऐसे कितने सारे लोग हैं बाहर जिन्हें हमारा सूप मंगाने में शर्म आती है। उन लोगों के लिए नंबर है 56289। इस नंबर पे मैजिक टाइप करके भेजो और फिर आप जहाँ कहो वहाँ हम सूप की डिलीवरी करेंगे। यार मेरा इस नंबर को काका के सारे सोशल पे फैलाओ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह। सर मैं इस तरह स्कूटर में बैठे बैठे डिलीवरी करता रहा ना, मुझे पाइल्स हो जाएगी। करोड़ो भाई, ये आपके तबेले में कितने छोकरे काम करते होंगे? एक दारू की बोतल पे 500 रुपए का मार्जिन मिलता है और हमारे सूप की हर डिलीवरी पे 700 रुपए का मार्जिन मिलेगा। और जितनी भी नाखुश बीवियां हैं उनको जो खुशी मिलेगी उसकी दुआएं अलग। क्या बोलता है रवि? हाँ, अने बिना पुलिस के डर के हो तो आज से से नो टू दारू और से यस टू सूप। डिलीवरी सिस्टम फुल प्रूफ हो गया था। दारू वाले और दूध वाले सेम चीज बेच रहे थे, हमारा मैजिक सूप। और दूसरी तरफ किट्टी पार्टी से लेकर महिला मंडल तक डॉक्टर काका अवेयरनेस फैला रहे थे। सेक्स एजुकेशन डज नॉट मीन दैट वी एजुकेट पीपल ओनली इन द सेक्स एक्ट। इट इज अबाउट एनाटॉमी, इट इज अबाउट प्यूबर्टी, इट इज अबाउट मैच्योरिटी, इट इज अबाउट हाइजीन। इस देश को एक नहीं 1000 डॉक्टर वर्दी की जरूरत थी और मुझे सूप के जरिए डॉक्टर वर्दी को घर घर तक पहुंचाना था। सपना जो मैंने और डॉक्टर काका ने साथ में देखा था। वी ओपन सेक्स क्लिनिक इन द इंडिया। जमुना आते भाई संभाली लग रहा है। काका थैंक्स। रोज दारू पीला रह रहा है थैंक्स बोलता है। दारू के लिए नहीं, तन्मय का फोन आया था। हाँ? फंडिंग मिल जाएगी। रोक के दिया काका। देखिए ध्यान से इन चेहरों को, इनकी $1 मिलियन स्माइल्स को। याद रखिए ये बिजनेस नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और आपको स्कूबा डाइविंग करके जाना है। डफर लोग पता नहीं कहां से उठ के आ जाते, दिमाग में गोबर भरा हुआ है सबके। और शुभ्रा आज अचानक क्या बुला लिया? आज सब ठीक है भैया? मैं पूरी दुनिया को बिजनेस सिखाता हूँ, मेरा पार्टनर चूतिया निकला। कमाल, आप लोग निकलिए, माथुर साहब निकलिए निकलिए, बाद में मिलेंगे। ओके क्या हो गया? कौन सा पार्टनर चूतिया निकला? तेरी गल कर रहा है मैं चूतिया? चोपड़ा वो दफ्फा। वो चाइना की पार्टी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली थी। दैट डील इज ऑफ। आई नो। रिलैक्स। मैं रिलैक्स था, मैं शांत था, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी कि फंड जा कहाँ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, तो कहीं तो जा रहा है ना। तो मैंने पता लगाया, अहमदाबाद की एक कंपनी है आरवी इंटरनेशनल, वो ये बेचते हैं। यू नो व्हाट शिट इज दिस? आई नो, मैजिक सूप। सुना है इसके बारे में? सुना है तो फिर क्या किया? अरे ये इलीगल प्रोडक्ट है, कल FDA में फोन करूंगा, परसों बैन हो जाएगा। देवराज बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ बंदा निकला, कमाल है। ये तो केमिस्ट शॉप पे बिकती है ना, काउंटर पर। तू बैन करवा देगा? हा? जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अंडरग्राउंड मार्केट में बिक रहा है उसे कैसे बैन करवाएगा चूतिया? ये बस समझ में नहीं आता। 2 साल से घिसवा रहा था इस डील के लिए मैं, तुझे चाइना भेजा था, निकल गई नाक के नीचे से। अभी क्या करूं? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? तू सुसाइड कर ले। तू पता लगा पार्टी के बारे में, कौन है कौन नहीं, सुसाइड कर ले, मैं खरीद लूंगा। कैसे खरीद लोगे? उसको ऑलरेडी फंडिंग मिली हुई है। वो तेरी हेडेक नहीं है, तू तो सुसाइड करने वाला है ना। मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, तुम ठंडे होके फोन करो मुझे। अबे चोपड़ा को पीठ नहीं दिखाता है। रुक और दरवाजा बंद करो। रुक, ये औकात है इसकी? पजामा पहनना नहीं आता था उसको, मैंने सूट बूट सिखाया उसको। अब कॉफी कैपेचिनो मंगाओ। और तू क्यों खड़ा है? आया, बदबू क्यों आ रही है तेरे अंदर से? हट, परफ्यूम नहीं लगाते? ऑटोमेटिक है। गजब। भाभी को ये सब देख के शौक में हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना? एनिवर्सरी पे पहली बार कुछ दे रहा हूँ, पहले देख लोग क्या कहने वाले हैं। लोग देखता हूँ। फोटो लेना है? कपड़ा ले। वो चल रहा है आजकल ये। जल्दी करो, बस। इधर आ। हाँ, नोटी नोटी ख्वाब है। जय जिनेंद्र। देवराज, डॉक्टर वर्दी। रुक्मिणी रेडी रेडी, शुरू करिए। अच्छा सुनो ना, तुमने वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे के बारे में सुना है? पेंट का सेट कार्ड। वो एक्चुअली ना एक नया प्रोडक्ट आया है, मेरी सारी फ्रेंड्स ने कहा कि बहुत इफेक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ट्राई करो। तू तो बोल रही थी टॉप फ्लोर पे पहुँच जाती है, क्या जरूरत है? अरे ये ना टॉप से भी टॉप फ्लोर पर पहुंचाता है। मैजिक सूप। हेलो। हाँ किधर है? घर में। अरे अपने सक्सेस पार्टी में तू खुद नहीं आएगा तो कैसे मजा आएगा? अभी सब वेट कर रहे हैं तेरा। आ रहा ना कि मैं हूँ। हाँ आओ चो, आओ चो। सब ठीक है ना? देवराज का फोन था, माँ पड़ी। अरे आओ आओ सूपना सौदागर, लेट हो गए, पूरी पार्टी खत्म हो गई है। टाइगर एक्सपोर्ट, अब पैकेजिंग सॉलिड है। मैजिक सूप खाया के आदमी रॉकेट। ले भाई आजा आजा। मैम ये तुम लोग प्रोग्राम चालू रखो। हाँ चोरी कर लेता, बैंक लूट लेता, भीख मांग लेता डोपा। दिस इज डिस्गस्टिंग। चटाई बेचते बेचते रातें रंगीन करने का सामान बेच रहे। फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? अटकेश मंदिर के ट्रस्टी हम, ट्रस्टी। मालूम है इसको? कल सुबह 9 बजे चोपड़ा के ऑफिस आ जाना। चोपड़ा? अबे चोपड़ा, वे चोपड़ा डॉट 9 बजे। एड्रेस भेजता हूँ। डॉट 9 बजे। जी अटकेश। Meet the real Abhay Chopra. सर रघुबीर मेहता सर, आपके मैंने सारे वीडियोस हजारों बार देखे हैं सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। That's wonderful. गले लगा सकता हूँ सर? अरे थैंक यू सर। रिलैक्स। मैं बहुत सीखा आपसे सर। बैठो बैठो। वीडियो देख के सीखना वैसे ही है जैसे किताबें पढ़ के स्विमिंग सीखना। जी हमेशा डूबने का डेंजर बना रहता है। क्या बोल रही? जैसे मैं घर से पी के आया। वंडरफुल। रोज मुझे कम से कम 100-200 प्रपोजल आते हैं बिजनेस के लिए। यंग ब्राइट किड्स, बिजनेसमैन, सब मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सब मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। बट आई डोंट वांट टू वर्क विद देम। बिग नो। पूछो मैं किसके साथ काम करना चाहता हूं? किसके? रॉकेट के साथ। रॉकेट? yes. क्योंकि रॉकेट के पीछे आग होती है। रघुबीर मेहता तुम्हारे पीछे आग है। पुट योर हैंड ऑन योर बिहाइंड एंड फील द हीट। यस यू कैन डू इट। अभी? ऑफ कोर्स, कम ऑन। या शर्माइए नहीं। यस यस। थोड़ा गर्म है सर। यस sorry sir. And recently I've heard that Chinese are also interested in investing in you. Chinese बहुत smart होते हैं, very smart, लेकिन very tricky people. It's very hard to handle them. तुम अकेले नहीं handle कर सकते. Anyways, एक बात बताओ, business क्या है? बिजनेस एक गेम है, खेल है, फुटबॉल का खेल। आप सेंटर मिडफील्ड हैं, आप बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं, ऑपोजिशन के पास जाते हैं, वहां पे स्ट्राइकर को देते हैं, स्ट्राइकर गोल मारता है क्योंकि गोल हमेशा स्ट्राइकर करता है, मेसी करता है। यू नीड मेसी इन योर लाइफ। मैं तुम्हारा मेसी हूं। यस ट्रस्ट मी। इमेजिन तुम मेरे वीडियोस देख के वहां से यहां तक पहुंच गए। मेरे साथ काम करोगे तो कहां पहुंचोगे? स्काई इज द लिमिट। ट्रस्ट मी। ये सूप हम पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। बड़ा सोचो, बड़ा। एक ऑफ कोर्स सॉरी यस एक सो थे हो स्कूल हां आओ जाओ अच्छा बनाया थैंक यू सर कंग्रेचुलेशंस मुझे मालूम था तुम सही डिसीजन लोगे वेलकम नहीं सर आप मेरा गेम समझ नहीं पाए सर हाँ मेरा गेम ही अलग है मेरे गेम में ना आपको सिर्फ बाहर बैठ के कमेंट्री करनी है आप खेल नहीं सकते वो मैं संभाल लूँगा और आपने सिखाया सर सपने जो होते हैं ना उन्हें सिर्फ पूरी मत समझो वो सस्ते नहीं होते और मेरा जो सपना है ना सर वो सिर्फ पूरी जैसा सस्ता नहीं है बाकी फुटबॉल तो मैं खेलता ही नहीं सर कभी क्रिकेट का मन हो तो आना गली में छक्के मारता हूँ मैं एंजॉय सर होल्ड इट रखो ओ देवराज के भाई बर्बाद कर दूंगा अब है चोपड़ा नाम मेरा ये कैमो मल्टी ये मत दिया करो मुझे कभी भी कितनी बार बोला चाय देने के लिए Yes, ma'am. We're taking appropriate action. Suteo. Trust me, I'm handling this person. Hello, madam. Mr. Mehta, I don't know how to say it. What happened? What is this, Mr. Mehta? ये आपके बेटे के बैग में से मिली है हमें। पिछले 2 दिन से अपने क्लासमेट्स को रिसेस में खिला रहा है। चिंटू। पापा सीरो, दानी मासी की राह से लाया था। वो सीरो समझ के लाया मैडम, उसको पता नहीं था। Mr. Mehta, we all know what this is. नहीं सही बात है मैडम वो उसको वो कंफ्यूजन हो गया वो I'm afraid I can't help you. We have zero tolerance policies towards these stupid pathetic acts in our school. नहीं एकदम सही बात मैंने वो सॉरी बोल देगा टिंटू सॉरी बोल I'm afraid your apologies won't work. मैं सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से मैडम मैं सॉरी बोल देता हूँ I say sorry Mr. Ragubir. I think it's better all around that you look for another school for your child. No, another school, madam. This school is very good. मैं sorry बोलता हूँ. मैं सबको sorry बोलता हूँ. Sorry. रुक्मिणी, madam, sorry. वो बच्चा गलती होगी. I can't help you. पहली बार किया. रुक. बस रुक. मैं कहना चाह रही हूँ, मत छोड़. हाँ मोटा पापा हेलो सुन ये रघु ने जो धंधा शुरू किया है उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम पड़ा है ये ऐसा धंधा शुरू करने से पहले ये तो डपोर संघ ने सोचना चाहिए था कि वो मेहता फैमिली का है। हम दोनों के बीच की बात है मोटा पापा हम अपने अंदर ही संभाल लेंगे सरस देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम है बोल देना रघु को आज के बाद कभी भी मेहता फैमिली का नाम कभी भी यूज न करें। हाँ? जय आटकेश। क्या है ये हाँ सीरियसली रघु रुक्मिणी मैम बताने वाले क्या बताने वाले थे मेरी बात तो सुन तुम्हारी फ्रेंड्स इसे खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ तुम इसे यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी दुनिया खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बेचूं तो प्रॉब्लम है ये कैसी बात है रुक्मिणी तुम्हें पता है बाहर ऐसे कितने आदमी हैं जो अपनी कमजोरी के बारे में बात भी नहीं करते हैं। अगर मेरी दवाई से उन्हें हेल्प हो रही है तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कितने बिजनेसेस फेल हुए? हमारी इनकम इतनी कम थी। मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे? बस इतना चाहती थी कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, हमारे रिलेटिव्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। पर आज के बाद मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मुझे ऐसे मत बोल, मुझसे गलती हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई। झूठ क्यों बोला मुझसे? झूठ क्यों बोला? मैंने सॉरी, मुझसे न जाने कितने और झूठ बोले। मैंने झूठ नहीं बोला। रुक्मिणी मेरी बात तो सुन। लोगों ने मेरा कितना भरोसा किया, मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया काका। अरे ना बोल, अरे तू किसका भरोसा नहीं तोड़ सकता है, समझा क्या? काके ये सब बिजनेस, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं चाहिए मुझे। ये सब बंद कर दो काका, ये सब गलत है। ये सब नहीं, अरे तू ठंडो था, ठंडा हो जा बेटा। ये सब गलत है। हम वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट नहीं करना काका, ये सब गलत है। वर्कआउट करेंगे, कुछ वर्कआउट नहीं करना काका, ये सब गलत है। ये सब बंद करो आप, सब गलत है, गलत हो गया ये सब। गलत है हाँ? ए मेरी तरफ देख, तू मेरे पास आया था ना पहली बार, तो मैं तेरे को भगा दिया था, वापस आया, फिर भगाया, फिर वापस आया, फिर भगाया, फिर वापस आया, और मैंने बोला कि ये लड़के में कुछ दम है, ये कुछ करके दिखाएगा। This boy has got fire. हरी गयो, हरी गया। तू एक काम कर जा और तेरा नेपाली चटई बेच। That is what you are good for. का आपके लिए ना ये सब कहना बहुत आसान है, आपको तो बकरी के साथ रहना है ना, मुझे बीवी के साथ रहना है। हेलो सुन, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि तेरा सूप पीकर ही चाइनीज जनरल ज़ैंग मरा है। सूप से? रिमेंबर, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। तो मुश्किल को मौका बना और मार दे चौका। गुड नाइट तन्मय भाई। I will explain everything. I will explain everything. आपकी ये कहानी कोई मानने वाला है नहीं, कन्फेशन आप करने रहे, जो होगा आप खुद। दोस्तों, सभा बर्खास्त करने का ऑर्डर आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 32 एजेंसीज हैं, कल सुबह एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। आयकर विभाग से लेकर जीव जंतु संवर्धन सभी लोग होंगे उसमें। एक बार सोच लीजिए सूप में क्या मिलाते थे, सच सच बता दीजिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सर मैं खड़ा करने के चक्कर में तो भसड़ी फैल गई। टेंडर करके बाहर आ घटनाएं धीरे धीरे सरकार के पास वैध की आड़ में अवैध रेत का कारोबार पर। Morning everybody. Please be seated. Thank you ladies and gentlemen for being here at such a short notice. Aaj hamare beech kafi services ke representatives maujood hain. I will be heading this commission and will determine the nature of the charge sheet that has to be filed against Mr. Ragubir Mehta and Dr. Verdi. So shall we please proceed? Sure. Sir, according to CBI and local police, जनरल जैंग की मौत में इन लोगों का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, बिकॉज वी कुडंट एस्टैब्लिश एनीथिंग। बट एट द सेम टाइम वी स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि इनके मैजिक सूप का जनरल जैंग की मौत के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। Okay. आपके मैजिकल सूप जैसे चमत्कारी दवाई बनाने का क्लेम करना और उसे बेचना इलीगल है। Were you aware about this? यस, पर हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, हम तो डॉक्टर काका को बेचने मतलब मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर रघुवीर, आप अपने सूप में टाइगर के बॉडी पार्ट्स मिलाते थे? थासा समा, वन था, नी वन था, थासो समा, थामा लिंगुन थांग सूप, वन था। बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन टाइगर के सबूतों का क्या हुआ? आपके प्रोडक्ट्स में एनिमल प्रोटीन पाया गया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू अस? एनिमल प्रोटीन तो दूध में भी तो होता है। तो फिर आपके प्रोडक्ट में आप क्या मिलाते थे? व्हाट अबाउट दिस होल टाइगर कनेक्शन? हाउ डज दिस होल थिंग वर्क एज एन एफ्रोडीजिएक मिस्टर मेहता? तो आपको मेरे सूप की रेसिपी जानने में इंटरेस्ट है? प्लीज जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। बीस ग्राम इलायची पाउडर, 50 ग्राम शक्कर, 50-50 ग्राम काजू, पिस्ता और अखरोट पर एकदम पिसा हुआ, और 200 ग्राम मिल्क पाउडर। और क्या? इसे जब गर्म पानी में मिला के पेशेंट को पिलाते हैं तो पता है क्या बनता है? रबड़ी। किडिंग अस मिस्टर मेहता? हाँ, इसी को तो गर्म पानी में घोल के पेशेंट को पिलाते हैं, रबड़ी। अरे नहीं चाइना सर, रबड़ी स्वीट समझ। सिर्फ रबड़ी से इन सारे लोगों का क्योर हो गया? वो क्या, वो प्लेसिबो, आभासी दवाई। तो 70% जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल होती है। तो पेशेंट को लगता है कि वो दवाई खा रहा है और उससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छे से सेक्स को एंजॉय करता है। सिंपल से। मिस्टर मेहता प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अरे मैंने कौन सा गाली दी? अच्छा तो मैडम, आपको ना मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना ये वर्ड से प्रॉब्लम है। सेक्स सिंपल वर्ड है, SEX सेक्स नॉर्मल से। पर डॉक्टर वर्दी को फेमस करने के लिए आपने जो तरीका अपनाया है वो गलत है, और डॉक्टर वर्दी ने पब्लिक फोरम पे अश्लील भाषण दिए, वो इलीगल है, और आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही आपको युगांडा से बाहर निकाला गया था। एक्सक्यूज मी सर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? टॉन्सिल्स। आई एम वेरी सॉरी सर के इतने रिस्पेक्टेड कमेटी के सामने आपको मैंने ऐसे अश्लील बात करवाई। टॉन्सिल्स में अश्लील क्या है? अच्छा, टॉन्सिल के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। हाँ, फ्रैक्चर हो गया हाथ को, वो बात करना अश्लील नहीं है। अपेंडिक्स, डायबिटीज के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारियों के बारे में बात करना अश्लील क्यों है भाई? वो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं है। हाँ? क्या बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं प्राइवेटली कॉन्ट्राबैंड? अश्लील। हम ऐसे देश में रहते जहां किसी ने कहा है कि हमारा नेशनल पक्षी है ना मोर, जब वो मोर रोता है ना तो मोरनी उसके आंसू पी के प्रेग्नेंट हो जाती है। ये हमारा सोच है। मतलब ऐसे लोगों को अपनी सेक्स लाइफ तो छोड़ो, मोर की सेक्स लाइफ से भी प्रॉब्लम है। इनफ डॉक्टर वर्दी, वी रिस्पेक्ट योर इंटेंशंस बट दिस केस इज नॉट अबाउट दैट, सो कैन वी गो बैक टू द पॉइंट? काका आप समझाओ नहीं, पूछो कुछ, सब तक बात जाएगी, पूछो पूछो ना कुछ तो। मुझे यह सवाल पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 130 करोड़ बने कैसे? कोई बता सकता है? क्या आसमान से टपके थे आप लोग? थैंक यू। क्या बगुला आप जब बच्चे थे कपड़े में लपेट के आपके आंगन में छोड़ के गया था? कि पेड़ पे उंगे थे क्या? सफरचंद की तरह ऐसा खींच के पेड़ पे से लाए थे क्या? हम सब इसी की देन है। हम सब करते और जो नहीं करते ना, कम एंड टेक माय हेल्प, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस। बात करे हम सब करते, हमारे माँ बाप भी करते, हमारे बाप दादा भी करते, उसके पहले करते, इसके लिए तो हम 130 करोड़ बन गए। बट वी आर टॉट कि नहीं, घुटन आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, शर्मिंदगी, दे मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट। और फिर क्या होता है? और उसकी वजह से मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, क्या क्या होता है, सेक्सुअल क्रिमिनलिटी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होती है, बात नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स कॉल टॉक टू सम प्रोफेशनल अबाउट इट, नो। फिर उसकी वजह से होता है डोमेस्टिक वायलेंस, अफेयर्स एंड कैन एंड अप इन डिवोर्स। मैंने देखा है डिवोर्स। क्या आपके टॉन्सिल की वजह से कभी कोई डिवोर्स हुआ है क्या? हाँ? बात करे तो। मैं ये बात युगांडा में सीखा था, फिर नई गवर्नमेंट आके बोले क्या कर रहे हैं, भागो इधर से। मैं भाग गया कायर की तरह, मैं भाग के अहमदाबाद में आके ये मैं स्मॉल स्केल में सब लोग को एडवाइस देता था। फिर एक दिन एक पेशेंट आया मेरे पास, मेरा दोस्त बन गया वो। बोला काका पैसा भी कमाएंगे, मैं बिजनेसमैन भी बनूंगा, मैन बनूंगा, और आपके अवेयरनेस सेंटर्स खोलेंगे हम, और अवेयरनेस हम फैलाएंगे। दिस वाज द आइडिया। उसने मुझे हिम्मत दी। आई फील वेरी प्राउड दैट दिस यंग मैन टर्न मी फ्रॉम अ कावर्ड टू अ फियरलेस मैन। मैं एक बात आपको क्लियरली बोलता हूं, आज मैं युगांडा में नहीं हूं, आई एम इन इंडिया, दिस इज माय कंट्री। आप जो कहे मैं चुप नहीं रहूंगा। आप गोली मारो, मुझे लटकाओ फांसी से, मुझे मून पे भेजो, मून पे बैठ के मैं व्हाट्सएप मैसेजेस भेज के ये अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा। दिस इज माय कंट्री एंड आई विल नॉट स्टॉप। वैसे आपके प्रोडक्ट के 60 रैंडम सैंपल्स हमने टेस्ट किए एंड हियर इज द रिपोर्ट। नो एनिमल डीएनए, नो केमिकल्स, देयर इज नथिंग दैट्स ऑब्जेक्शनेबल एंड द एनिमल प्रोटीन दैट वाज फाउंड वाज ड्यू टू लैक्टोज इन द मिल्क पाउडर। I'd advise the FTCA to immediately ban their product and CBI and local police can continue the investigation. And also find the reason behind the gender. साले पिछले 24 घंटे से तू हमें चमन बना रहा था। अरे सर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो आपको कब से बोल रहा था कि प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अच्छा अब तो बता दे, तेरे चाइनीज शिकारी ने भेजा क्या था? उसने तो चाइनीज टाइगर सूप ही भेजा था सर। पर वो जो हाउली है ना, वो सूप के नाम पे खुद ही चाइनीज चूरन बेच रहा था। इट इज ऑल हियर सर। तुम लोगों को डर नहीं लगता? सर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? क्या? इस बात के अंडकोश। रबड़ी खाएंगे सर? इस बात के कटोरी से। चलिए काका, 24 घंटे ने आपको लोकल से ग्लोबल बना दिया है। अभी आपको आपके ब्रांड वाले दिखाऊंगा। सही बिजनेस वही है जहां आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्यूशन को बेचते हैं, और इसी वजह से वर्दी नाम का सॉल्यूशन अब घर घर तक पहुंचने वाला था। रुक्मिणी, आपके हस्बैंड ने एक ऐसे इंडस्ट्री पर छाप छोड़ी है जिसकी कदर हमारे समाज में बहुत कम है। कंग्रेचुलेशंस। Ladies and gentlemen, please allow me to welcome the CEO of Dr. Verdi Sexual Health and Wellness Clinic chain, Mr. Ragubir Mehta. Customer कौन है? Sir, customer king है। Sir, customer भगवान होता है। Sir, business होता है। Sir, customer is everything. कस्टमर